प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम तो कहती थी तुम जिंदानी बचोगी। मुझे मुझे जोशी ने डरा दिया था, लेकिन आपने तो मुझे बचा दिया। अच्छा, तो ये सारी शरारत ज्योतिषी की थी? जी हाँ। अभी तो मैं कहूँ, ये लड़की इतना डर क्यों रही है? मैं तो नहीं डरी थी बीजी, मैं डरी थी क्या? ना पुत्र ना, तू कहाँ डरी थी। अच्छा कुलवंत, कोई तकलीफ तो नहीं है? ना सिस्टर, एनी फीवर? नो। एनी सूखेज? नो। अच्छा तो कुलवंत, तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम करते हैं। माँ जी, आप कल आके इसको ले जा सकती हैं। डॉक्टर ने जी, आपका उपकार तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा कुलवंत, सरदार जी, आप कोई कामकाज भी करते हैं या नहीं? डॉक्टर जी, वो कुलवंत ठीक हो जाए फिर काम में भी चला जाऊंगा। ठीक है, तो कल से आप अपना काम शुरू कीजिए।
पी चुके आराम से मैं। बीजी बस और नहीं खाया जाता। और नहीं खाया जाता क्या मतलब? खाना पड़ेगा बेहतर खाना पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर अच्छी खुराक नहीं खाएगी ना तो बाद में बड़ा पछताएगी। बीजी पेट भर गया है। मैं कह रही हूँ ना चुपचाप खा ले। पता है महिंदर के वक्त मैंने खूब घी खाया था, तभी तो देख कैसा शेर पुत्र पैदा किया है। आपके लिए शेर होंगे, मैं तो नहीं एक ही गुड़की में डरा देती। चल 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 बातें ना बना, चल मुँह खोल ना, अब खा लो। है पगली, अब ये घी मेरे किस काम का? चल मुँह खोल। क्या बात है बीजी, सुबह सुबह बहू को बड़े हलवे खिलाए जा रहे हैं। क्या खाऊं मिट्टी, कुछ खाती नहीं है। अरे नहीं खाती तो ना सही, मैं खा लेता। अरे छोड़ महेंद्र। अरे भाई क्यों, मैंने क्या बात की है? मैं जड़ दूंगी तेरे को, छोड़ देता। बीजी आप भी अजीब हो, बहू की तो मिन्नतें करते हो खाने के लिए और बेटे के हाथ से छीनते हो। मेरी न्यू रानी ने ऐसा मार्के का काम किया है, तुमने क्या किया? कुलवंत माँ सच कह रही है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। बड़ा आया पूछने वाला, भाग यहां से। खाओ भाई हलवा बीजी के हाथ से। तुझे अकेला छोड़ दिया? जी मैं अकेली कहाँ, ये है ना छोटे सरदार जी मेरी रक्षा के लिए। ये खोता तो है पर इस खोते का बाप और इसकी दादी वो कहाँ है, आवारागर्दी कर रहे हैं, तुझे अकेला छोड़ दिया? वो जी। बड़े सरदार जी क्यों हमारी बहू और पोते को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं? नहीं मैं तो थोड़ी देर के लिए तो बाजार गए थे। ओ महेंद्र, ओ पुत्र ये क्या उठा लाया है? उठा कर तो महेंद्र लाया पर उठवा कर तो मैं लाई। पर इसमें है क्या? पोते के दादाजी को तो ख्याल नहीं आया कि पोता होने की खुशी में हम सबको मिठाई ही खिला देते, मजबूरन दादी को ये कुछ करना पड़ा। खैर अब ये बताओ लड्डू खाने में हमारी मदद करोगे या वो भी नहीं? आगे। अब भाई मेरे कंधे से कोई टोकरा उतरवाएगा? मैं देख रहा हूँ घर में सब भाषण देने लगे हैं। मैं उतरवाऊंगा पुत्र। आप नहीं दादी, कोई और उतरवा देगा। पुत्र इस घर में तेरे और मेरे अलावा जो मर्द है वो पलंग पे बैठा है, झूठा चूस रहा है, वो तेरी मदद नहीं कर सकता। लो सरदार जी लड्डू खाओ। नहीं पहले लड्डू पे तो किसी और का हाथ। क्यों भाई, आई एम हेड ऑफ द फैमिली। बोल लो अंग्रेजी, अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। ये लड्डू तो मैं अपनी नूरानी को खिलवाऊंगी जिसकी बदौलत आज हमें पोता देखना नसीब हुआ। खा लो उल्टा जमाना आ गया है, पहले बीवी खावन को खाना खिलाए बिना कुछ नहीं खाती थी और ये देखो। लो सरदार जी आप भी खा लो, ले तू भी खा। कौन विशन सिंह? यहाँ तो ताला लगा हुआ है, यहाँ पता कर लेते हैं। यहाँ बिशन सिंह रहते थे, वो कहाँ गए? वो शाहकोट गए हैं, परसों आएंगे। अरे नहीं गिराऊंगा बीजी, देखो कैसे खिकी करके हंस रहा है। अरे उसने अभी अभी दूध पिया है, तो इतना उछालेगा तो वो उलट देगा। अरे आप तो ऐसे ही डरते हो, मर्जी से कोई जान के टुकड़े को भी नीचे गिराएगा, गिलाएगा नहीं गिलाएगा, बिल्कुल नहीं गिलाएगा, बिल्कुल नहीं गिलाएगा। क्या हो गया आपको? कमाल है, और तेरे बाप ने खुद ही तो चिट्ठी डाल के हमको बुलाया है और खुद ही पूछते हो कि कैसे आ गए। ओहो सुना भाई मोहन से, कह रही है तो है। ओ सब भाई तुझी की मेहर है,
आएंगे बाद में। आओ जी। इधर कौन? ये काका किसका है? ओए कुड़मणी है, ये दोता तुम्हारा है, काका पता नहीं किसका है। अच्छा, अच्छा कुलवंत के घर लड़का हुआ और हमें कोई खबर नहीं थी। देखो जी, आपके कसूरवार ये हैं, चिट्ठी लिखना इनके जिम्मे था, मुझे तो कुछ आता वाता नहीं। कुलवंत का लड़का हुआ और नाना नानी को कोई खबर नहीं दी। भूल चूक लेनी देनी। ओ भाई देख मोहन श्याम, मैं तेरे से इस बात पे बहुत ही सख्त न रहा। गुरनामिया, अब तू हो गया नाना, ये बच्चों की तरह ढूंढना अच्छा नहीं लगता तेरा। खत में इतना तो लिख देते कि लड़का हुआ है, हम कम से कम खाली हाथ तो ना आते। तुम्हें क्या देना है अब फैसला कर लो। पैसे नहीं है, मैं उधार दे दूंगा। क्यों जी, क्या ख्याल है? ख्याल तो कोई नहीं, इस बार तो हम सिर्फ बच्चे को ही देख के जाएंगे। हाँ, और अगली बारी तैयार त्यूर होके आएंगे। क्यों बेटा? गुरनाम सिंह, मेरे यार उम्मीद से मिला है? हाँ, एक दो बार गया था, तुम लोग बिना बताए उसे यहाँ पर चले आए, इस बात का उसे बहुत दुख है। मोहन सिंह, उसके दिल में तुम लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। भाई वो साक्षी है, यहां भी दिल की धड़कन उसी के नाम से चलती है। दादी, दादी बाबूजी कल शाम तक यहाँ हैं, कल काके का नामकरण कर दें। इतनी जल्दी क्या रहा पुत्र? बाबूजी लोग उसे निकू निकू बुलाने लगे हैं, नाम रह जाएगा। वही रहता, बच्चों को सब ऐसे ही पुकारते हैं। मिंदर को पता है मैं क्या पुकारता था? मच्छर। अभी कोई उसे मच्छर कहता है? अब तो मैं कहूंगी। मजा आ गया। मोहन सिंह, अब के मैं करनाल जाऊंगा तो ओम प्रकाश को बताऊंगा कि महेंद्र के यहाँ लड़का हुआ है। देखना, इस खबर को सुनते ही वो खुशी से पागल हो जाएगा और तुम्हें बधाई देने यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है इसी तरीके से तुम्हारा आपस में मेल हो जाए। मैं जानता हूँ गुरनाम सिंह, लेकिन अभी इस बात को राज ही रहने देना। मुझे पूरा यकीन है ये बच्चा हम दोनों परिवारों को एक बार फिर से मिला देगा। लेकिन मैं वैसे नहीं करना चाहता जैसे तुम कह रहे हो। तो फिर कैसे? वक्त आने पे बताऊंगा। सरदार जी बाहर आ जाना, अंदर बैठे क्या खुसर खुसर कर रहे हो? वो कुछ नहीं इंदर कोरे, मैं इसे बता रहा था कि मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूँ, ये कहता है ये मेरे से भी ज्यादा तंग है। दादी, वो कुलवंत निकू का नाम रखने के लिए कह रही थी। दादी, दादी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या बात है दादी? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, आप मुझसे छुपा नहीं सकते। निकू का नाम वो अपने आप रख लेंगे। वो कौन? इंदर, तर पता नहीं मैं कितने दिनों का मेहमान हूं, मैं चाहता हूं कि शमशान तक अपने यार ओमी के कंधों पर ही जाऊं और उसे दोबारा अपना बनाने के लिए एक ही तरीका है। वो क्या दारजी? हमें अपने काके को कांता की गोद में डालना होगा। शायद वाहेगुरु ने ये बच्चा इसीलिए दिया है कि हमारे दोनों परिवार एक बार फिर एक हो जाए। सरदार जी। हाँ जी। आप भूल रहे हैं, उस मासूम बच्चे की भी एक माँ है और उससे पूछे बिना आप कोई फैसला नहीं कर सकते। इंदर कौर, आप भी भूल रही हो, मोनी की भी माँ है। हाँ, और वो फैसला भी इंदर मोहन की माँ ने ही किया था और यहाँ फैसला भी माँ ही करेगी।
आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए। रब के वास्ते मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मत मांगिए। ये मत भूलो कुलवंत, जब कांता ने अपना बच्चा तुम्हारी झोली में डाला था तो उसे भी ये मुश्किल फैसला करना पड़ा होगा। पहले मोनी मेरी गोद सूनी करके चला गया, तुम मेरे को भी मुझसे छीनना चाहते हैं। आप तो उसके पिता हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं? कुलवंत, ये फैसला मेरी रजामंदी से ही हुआ है। हमारा एक ही चिराग है, अगर ये भी चला गया तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? इसके जाने से अंधेरा नहीं होगा, बल्कि इस चिराग से तो दोनों घरों के यहाँ रोशनी होगी। क्या आप मुझे सोचने का भी समय नहीं देंगे? मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया, अगर तुम सोचना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मगर ये याद रखना, चाचा जी हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमसे अलग हो गए हैं, और उन्हें वापस जोड़ने के लिए अगर हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पड़े तो मैं उसे मामूली समझूंगा। निमाणिया दिमान वाहे गुरु जी, मेरी मदद करना, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर सकूं, मेरे कदम ना डगमगाए, वाहे गुरु जी मेहर करना। चल तेरा मेरा
चल पंजरा कई दुखा दिलाई आई वे जिंदुआ कई बात गवाई आई वे जिंदुआ सिंदुआ ते भाई सिंदुआ दम थके परा दिनु कांदे पुरिया ना पुत्र मैं अभी इस योग नहीं कि तू मेरे पैर छुए। अजी आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? ना उस दिन मेरे मुंह से जो निकल गया था उसके लिए आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। आपने मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं अपने गुनाह का पश्चाताप कर सकूं। अपनी बहू से कोई इस तरह रूठ कर जाता है क्या? मैं कोई तेरी वजह से थोड़ी गया था, कोई अपनी बेटी से भी नाराज होता है? तेरा तो हक था। हाँ। मेरा बच्चा ले कांता अपना पुत्र संभाल। मैंने तो अपने मोहन को ही नहीं संभाला, इसको कैसे संभालूंगी? नहीं कांता, ये तेरा ही बेटा है।
अल्लाह के करम से मैं आ गया हूँ, आप रोती क्यों है? ये कौन है? भाई है। मेरा भाई? मैं ले लूँ इसे? बहुत बहुत मुबारक हो मोहन सिंह। ओ बिशन सिंह, तुझे भी बहुत बहुत मुबारक। पर ये सब हुआ कैसे? मोहन सिंह, ये सब इन्हीं की बदौलत है। ओ मेरा बच्चा, ओ जी, ओ 100 बरस जी मेरा बच्चा। हमारे लिए तो आप ही भगवान, आपकी वजह से हमारा बच्चा मिल गया। ये सब कैसे हुआ? ये एक बहुत लंबी कहानी है। दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिला दी जाने, कौन दिला दी